हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 30 पढ़ेंगे जो बात करता है रेफरेंस एंड रिवीजन से। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आपके अपकमिंग दिल्ली जुडिशरी या एमपी का जो एग्ज़ाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। रिव्यू का प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंस और रिवीजन का है। रेफरेंस का प्रोविजन सीपीसी के सेक्शन 113 में है और रिवीजन का 115 में। और सीआरपीसी के सेक्शन 395 में रेफरेंस का प्रोविजन है और 397 में रिवीजन का है। ओके, नाउ 395 और 396 जो है वो रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस का बहुत जनरल मतलब होता है कोई मैटर रेफर करना, जैसे कि ट्रांसफ़र नहीं हम कह सकते, ये बहुत ही एक लॉन्ग, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में देखें तो हम कई बार सुनते हैं कि मैटर को रेफ़र कर दिया गया या भेज दिया गया। तो इसके एसेंशियल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है। वेयर एनी कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, देखिए रेफरेंस हमेशा ड्यूरिंग द ट्रायल लगता है, ठीक है, और रिवीजन का जो मैटर है वो एक बार जब ट्रायल ख़त्म, जजमेंट आ जाता है, ट्रायल ख़त्म हो जाने के बाद किसी जो है वो रिवीजन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट सेटिस्फाई है कि अब उसके सामने जो भी मैटर पेंडिंग है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी विच इज़ रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, जिसका डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। ये सारे एंड करके प्रोविजन है, कोई और नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब एंड है। आप देखिए ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल करने हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रायल कोर्ट के सामने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल विच इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, जिसका डिटर्मिनेशन करना ज़रूरी है फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, और उस ट्रायल कोर्ट को लगता है कि वो जो एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस है या रेगुलेशन है या उसका कोई भी प्रोविजन इनवैलिड या इनऑपरेटिव है, बट द सेम हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, सो इन दैट केस द ट्रायल कोर्ट विल रिफर द मैटर टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वो भेज देगा हाई कोर्ट के पास। अगर उसका दूसरा क्लॉज देखे तो वो पावर जो है, जो रेफ़र करने का जो पावर है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और सेशन जज को दिया गया है, मतलब दे कैन ऑल्सो रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जो क्लॉज वन से कवर नहीं होता है, तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट यानी कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट को रेफ़र करने की जो पावर है वो नहीं है। यहाँ पे अगर कोई एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है विच इज़ नॉट कवर्ड इन क्लॉज वन और वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या सेशन जज के सामने आता है, तो इन दैट केस दे कैन ऑल्सो रेफर द सेम टू द हाई कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट जो है उस पर जो भी फर्दर डिसीजन वगैरह लेके वो वापस जो है भेज देगी ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट जो है उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से फर्दर प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा, ओके। बट मीन वाइल जैसे कि मान लीजिए जब ट्रायल कोर्ट ने भेज दिया है मैटर हाई कोर्ट को, उस दौरान अक्यूज का क्या होगा, तो दो ऑप्शन है, या तो जेल या तो बेल, ओके, या तो उसको जेल भेज दिया जाएगा या तो उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। सो वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल, एक बार और इसे रीड करते हैं। वेयर एनी कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, and is of the opinion that such as ordinance, regulation or provision is invalid or inoperative but has not been so declared by the high court to which that court is subordinate or by the supreme court, the court shall state a case setting out its opinion and therefore and refer the same for the decision to of the high court. A court of session or the metropolitan magistrate may, if थिंग्स फिट इन दैट केस, जिसपे सबसेक्शन वन एप्लीकेबल नहीं होता है, रिफर द मैटर टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन हियरिंग इन सच केसेस। एनी कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट मे पेंडिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आइदर कमिट द अक्यूज टू द जेल और रिलीज हिम ऑन बेल। सेक्शन 397 बात करता है रिवीजन की, ठीक है, ये पावर दिया गया हाई कोर्ट को।
रेफरेंस की भी पावर हाई कोर्ट को है, रिवीजन की भी पावर हाई कोर्ट को। बट रिवीजन की पावर यहाँ पे एडिशनल सेशन जज को, मतलब एडिशनली यानी कि हाई कोर्ट के साथ साथ सेशन जज को भी दी गई है। तो मान लीजिए अगर हाई कोर्ट या सेशन जज को ऐसा लगता है कि कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर है उसकी लीगैलिटी कुछ क्वेश्चन में है, तो वो उसको अपने पास जो है रिवीजन पर्पज से बुला सकती है। द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट सिचुएटेड विद इन इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टनेस लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ट। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट और सेशन जज के पास ये पावर है दैट दे मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड, जो भी इन्फीरियर कोर्ट के सामने कोई भी मैटर था जिसको सेशन जज या हाई कोर्ट को लगता है कि उसकी जो करेक्टनेस है या लीगैलिटी या प्रोप्राइटी समथिंग है दैट नीड्स टू बी चेक, तो वो उसको अपने पास उसको एग्जामिन करने के लिए बुला सकती है। मीनवाइल जब तक वो एग्जामिन करेगी तो वो जो अक्यूज की जो पनिशमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगी, और अगर अक्यूज जेल में है तो ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे रिवीजन का पावर नहीं लगता है। अगर कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास्ट हुआ है अपील में, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी वे में, मतलब इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स पे रिवीजन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यही सेम चीज़ 115 सीपीसी में भी दी गई है। ठीक है, फिर ये बोलता है कि अगर आप से सेशन जज और हाई कोर्ट दोनों को ये पावर दे कैन डू दिस स्यू मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, बट अगर एक पार्टी ने सेशन जज को एप्लीकेशन लिख के रिवीजन के लिए करवा लिया है तो वहाँ पे फिर वो हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकती। इफ़ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन मेड बाय एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और टू द सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम। ओके, फिर आता है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हाई कोर्ट या सेशन जज को 397 के रिवीजन के बाद या किसी भी वे में अदरवाइज लगता है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सेशन जज या हाई कोर्ट जो है सीजीएम को ऑर्डर कर सकता है या सीजीएम से कह सकता है कि तुम अपने सबॉर्डिनेट को बोलो कि कोई भी जो कंप्लेंट डिसमिस हुई है 203 या 204 में उस पर एक इंक्वायरी बैठाए, या अगर कोई भी अक्यूज डिस्चार्ज हुआ है उस पर एक इंक्वायरी बैठाए। ठीक है, बट अगर डिस्चार्ज यहाँ पे जो डिस्चार्ज के केस पे इंक्वायरी का ऑर्डर है वहाँ पे आप तब तक ये इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं दे सकते जब तक जो अक्यूज डिस्चार्ज हुआ है उसको एक अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो कि वो अपने आपको एक बार अपनी बात रखे ताकि वो ये प्रूफ कर सके, मतलब ये प्राइमा फेसिए ये बता सके कि क्यों उस इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, क्यों उसका डिस्चार्ज ऑर्डर करेक्ट है। ओके, तो इसको रीड करते हैं। ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 397 और अदरवाइज द हाई कोर्ट और द सेशन जज मे डायरेक्ट द सीजीएम और बाय एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम टू मेक फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट विच हैज़ बीन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 और सबसेक्शन 4 ऑफ द क्लॉज ऑफ सेक्शन 204 और इनटू द केस of any person accused of an offence or who has been discharged. No court shall make any direction under this section for the inquiry into a case of any person who has been discharged under unless such person has been an opportunity of showing the cause why such direction should not be made. सेक्शन 399 सिंपल सी बात करता है सेशन जज की पावर ऑफ रिविजन की, वो वही बोलता है कि जो भी पावर हाई कोर्ट को है वही पावर सेशन जज को भी है। ठीक है, और अगर आपने एक बार सेशन जज के सामने रिवीजन की एप्लीकेशन डाल दी और उस पर सेशन जज ने अपना डिसीजन भी दे दिया तो दैट डिसीजन विल बी फाइनल, आप फर्दर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। 400 बात करते हैं एडिशनल सेशन जज की, वही सेम पावर है क्योंकि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो हैं वो इक्वली उनको पावर होती है। 401 इंपॉर्टेंट है, वो हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि उनकी हाई कोर्ट को रिवीजन के दौरान क्या क्या पावर है, तो उनको सेम वही पावर है जो अपील में उनको मिली है 386/89/1991 में। ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन को 307 में मिली, वही सेम पावर हाई कोर्ट की भी है। फिर
अक्यूज के अगेंस्ट आप कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुना सकते अंटिल अनलेस उसको एक अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। और अक्विटल के जो ऑर्डर को आप कन्विक्शन में रिवीजन में एटलीस्ट रिवीजन में आप अक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकते। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ अक्विटल इनटू द वन ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, बट दूसरी चीज़ ये है कि रिवीजन उन केसेस में नहीं हो सकता जहाँ अपील का प्रोविजन है। बट मान लीजिए कोई अक्यूज है जिसको एक्चुअली में इन गुड फेथ ऐसा लगता था कि उस केस में अपील नहीं हो सकती और उसने रिवीजन का एप्लीकेशन डाल दिया, तो अगर कोर्ट जो है इस बात से सेटिस्फाई है कि हाँ इसको ये जो अरोनियस बिलीव था और गुड फेथ में था उसने कोई मिस्टेक नहीं की है, तो उसके रिवीजन पिटीशन को वो अपील पिटीशन में ट्रीट कर सकता है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफ़र द रिवीजन केसेस, इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर एक ही केस में दो अक्यूज्ड हैं और एक ने रिवीजन का एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने डाला और एक ने सेशन जज के सामने, तो ये रिवीजन ये डिसाइड करने का मैटर कि कौन ये मैटर देखेगा ये हाई कोर्ट के पास है। अगर हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको ये देखना है तो फिर फर्दर वो केस जो है दूसरी एप्लीकेशन आप सेशन जज को नहीं दे सकते। और अगर वो मैटर सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो जो सेशन जज का जो फैसला होगा रिवीजन के पॉइंट पे वो फाइनल होगा, उसके बाद आप वापस हाई कोर्ट के पास नहीं आ सकते। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन एंड द रेफरेंस।